लड़की का नाम शनी लूक है, जर्मनी की रहने वाली है। शनी एक म्यूजिक फेस्टिवल के लिए गाजा के एक नजदीकी इलाके में गई थी। शनी की सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चला कि वो इसराइल के बीट सेमेश इलाके में रह रही थी। 7 अक्टूबर को गाजा ने इसराइल में जब अपना पहला रॉकेट दागा, उससे पहले शनी ने अपने घर वालों को एक फोन कॉल किया था। उसके बाद उनका अपने परिवार वालों से संपर्क टूट गया। इसराइल पर हजारों रॉकेट से हमला कर हमास ने बड़ी संख्या में आम लोगों को अगवा कर लिया। इनमें इसराइली नागरिकों के अलावा कई विदेशी पर्यटक भी शामिल है। इन्हीं में से एक जर्मन महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसका नाम है शनी लूक। हमास के चरमपंथियों पर आरोप है कि उन्होंने महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया और अब इसी महिला से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है। आशंका है कि हमास के लोगों ने इस महिला से लूटपाट की थी और उसका क्रेडिट कार्ड भी यूज किया था। दरअसल शनी लूक के परिवार ने एक जर्मन न्यूज आउटलेटर डेर स्पीगल से बातचीत में बताया कि उन्हें शनी के बैंक से जानकारी मिली थी कि गाजा में उसके क्रेडिट कार्ड से कई लेन देन किए गए हैं। आशंका जताई गई है कि हमास के लोगों ने शनी से लूटपाट भी की थी, इसी दौरान शायद उनसे जबरन क्रेडिट कार्ड ले लिया गया और उसका इस्तेमाल भी हुआ। बातचीत में शनी की मां रिकार्डा लूक ने यह भी कहा कि उन्हें अब भी अपनी बेटी के जिंदा होने की उम्मीद है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को फिलिस्तीनियों के साथ एक कार में बेहोशी की हालत में देखा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब गाजा ने इसराइल पर हमला किया था, उस समय शनी किबुत्स उरीम एरिया के पास एक आउटडोर फेस्टिवल वॉर पीस पार्टी में गई हुई थी। बीती 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हजारों रॉकेट से हमला कर दिया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इजरायली मीडिया ने बताया कि इस हमले में मरने वाले लोगों की संख्या 1000 के पार चली गई है, वहीं घायलों की संख्या 1000 में बताई गई है। उधर इसराइल के जवाबी हमले में गाजा पट्टी वाले इलाके में भी सैकड़ों लोगों के मारे जाने की सूचना है। इजरायली हवाई सेना ने हमास के कई ठिकानों को ढेर कर दिया है। हालांकि हमास की तरफ से भी हमले रुके नहीं हैं, हालात काबू में आने के बजाय और बिगड़ते ही जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द ही सामान्य हो और रिकार्डा लूक को अपनी बेटी शनी लूक सही सलामत मिल जाए। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।